खबर दोस्तों, परवेज अकरम खातिब हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत मालूमती वीडियो होगी और मेरी ख्वाहिश है कि आप जितनी भी वीडियो होती हैं इनको रिवर्स फॉरवर्ड मत किया करें, बल्कि स्टेप बाय स्टेप इसको बहुत तरीके से पूरी वीडियो अगर आप नहीं देखते, मिस करते हैं तो इससे आपका नुकसान होता है, और आप पूरी वीडियो देखा करें। चूँकि इस वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल के साथ आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, तो मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग इस वीडियो को देखें। व्यूज़ कोई होते हैं नहीं होते, वो अलग चीज़ होती है। ना मैं कोई चैनल वायरल करने के चक्कर में हूँ, ना मैं कुछ, मेरी कोशिश ये है कि आपको वो चीज़ दिखाऊँ जो आप इस्तेमाल करें और आपको डायरेक्टली उसका फ़ायदा हो। और इस हवाले से मैं काफ़ी टाइम से वीडियो बनाता हूँ और जो लोग मेरी वीडियो पूरी देखते हैं उनको इसका फ़ायदा भी होता है, और वो प्रैक्टिकली जब जल्दी काम करते हैं तो उनको उसका बेनिफिट जो है वो एक महीने के अंदर पता चल जाता है। मेरा मकसद, चूँकि मैं खुद की विल तहरीक के साथ काम करता हूँ, हमारा मकसद ये है कि लोग अपनी ज़मीनों से जुड़े, अपने जो घर किचन गार्डनिंग है इससे जुड़े, और जो पौधे होते हैं या फल फ्रूट होते हैं इनके ऊपर काम करें ताकि उनको इसका फ़ायदा हो। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है मैं आपको बताऊं कि ये आप एक दरख्त पौधा है, इसके पत्ते पीले होते हैं, ये बहुत कीमती पौधा है और इसके पत्ते जब पीले हो रहे हैं तो इसका इलाज क्या है। इसमें कैल्शियम की कमी हो सकती है, और कैल्शियम के लिए वो देसी चीज़ मैं बनाता हूँ कि जो आप सोच भी नहीं सकते कि उसके फ़ायदे क्या है, और शायद यहाँ पे कोई आदमी इसके ऊपर डिटेल से बात नहीं करता। लेकिन कैल्शियम की कमी और जो इसके लिए खाद की खाद भी बनेगी और इसकी कैल्शियम की जो कमी है उसको भी दूर करेगा, और एक महीने के अंदर अंदर, दो हफ्ते के अंदर तकरीबन ये पौधा बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा। और सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आपके पौधे के नीचे जो डब्बा या कोई कंटेनर होता है, इसकी मिट्टी ड्राई होनी चाहिए, इसका जो इसके सुराख होने चाहिए जहाँ से पानी निकले, इसकी जड़ों को फंगस ना लगे, और अगर फंगस लगेगा, लग गया तो फिर उसका इलाज जो मैं आपको आज बताता हूँ, एक तो कैल्शियम की ये दवाई अगर मार्केट से आप लेके आएंगे तो आपको बहुत महंगी पड़ेगी, और अगर आप इसको इस तरह से यूज़ करेंगे तो आपको ये बहुत मुनासिब पड़ेगी। ये आप देखें, सबसे पहले आप अपनी मिट्टी को हिलाएं, मिट्टी को हिलाने के बाद आप इसके अंदर ये दवाई जो है, जो चीज़ जो मैं आपको खाद भी बता रहा हूँ, दवा भी बता रहा हूँ, ये आप यूज़ करेंगे तो आपको इसके बेनिफिट कम अज़ कम एक महीने के अंदर मिलेंगे। दोस्तों, ये जो चीज़ है, ये आपको जो दवाई दिखा रहा हूँ, ये एक ख़ास चीज़ है, और वो ये है कि ये चाक होता है, जो चाक जो बचपन में बच्चे लिखा करते थे जिससे स्लेटों के ऊपर, या जो ये चाक जो होते हैं कि कहीं से भी आसानी से बाज़ार से अवेलेबल होते हैं, ये मिल सकते हैं आपको, किसी बुक स्टॉल से आपको मिल सकते हैं, और ये बिल्कुल नॉर्मली आपको कोई इस पर मेहनत नहीं करती, इसको पीसना है, बारीक करना है, और उसके बाद पौधे के करीब जो ला के इसको आप इस तरह से आप डालेंगे चारों तरफ पौधे के, और इसको इस तरह से डालेंगे, और इसके बाद इसको जब मैं समझता हूँ कि बनाने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद किसी भी पौधे को जो फल नहीं दे रहा हो, जो जिसके फूल जो है लगने के बाद गिर जाते हों, या जिसके पत्ते पीले हो रहे हों, तो कैल्शियम की कमी दूर करने के लिए, और फिर ये आपके पौधे को, आपके जो फंगस लग जाती है, जो बीमारी लग जाती है जड़ों में, उनको भी दूर करता है, और इसके बेशुमार फ़ायदे, और ये आसानी से आपको अवेलेबल है, और इसका आपको, मैं समझता हूँ कि आपको बाज़ार से लेके आएंगे तो ये 10-20-30 रुपए का ये पूरा पैकेट चाक का मिलेगा, और वो आप लागे आप इस तरह से सब पौधों के अंदर, जिस तरह ये सारे पौधे हैं मैं इनके अंदर ये यूज़ करूँगा, और इनका 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर जो इनका कलर है आप बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और ये काला इसका जो होता है ये असल हालत में आ जाएगा, और इसका जो पीलापन है ये ख़त्म हो जाएगा। इसमें कैल्शियम की कमी होगी तो फिर ये कैल्शियम की कमी और या फिर कोई बीमारी होगी तो उसको भी ये दूर करेगा। इस तरह से पौधे के चारों तरफ डालने के बाद इसके ऊपर आप पानी का इस्तेमाल करेंगे, जब पानी का इस्तेमाल करेंगे तो ये इसकी जड़ों तक चला जाएगा, और इसके ये हल भी हो जाता है। ये देखिए आप, ये आप सब पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटा बड़ा,
पौधा हो, जितने भी पौधे होते हैं इनको आप यूज कर सकते हैं। इसको कोशिश करना कि इसके ऊपर इस तरह से अगर कोई चीज है तो उसको खत्म कर देना, क्योंकि ये जो मुर्गियां वगैरह होती हैं या ये जो बाकी कोई जानवर इसको ना इस्तेमाल करे। बाकी इसमें जो इसके जो फायदे हैं वो प्रैक्टिकल करने के बाद आपको 10 दिन के 15 दिन के बाद आपको खुद ही मिल जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि ये एक सीखने सिखाने का अमल है और मैं इसमें भरपूर तरीके से हिस्सा लेना चाहता हूँ। ये चाहता हूँ कि मैं जो कुछ जानता हूँ वो आप भी सीखें, उससे फ़ायदा उठाएं और अपने भी सेन के अंदर या छोटे से लान के अंदर जो पौधे होते हैं उनमें ये यूज़ करें। ये चाक है, इतना उंगली की तरह होता है, गोल सा, जो चाक बाजार से जो मिलता है लिखाई के लिए वही चाक है। उसको पीस करने के बाद पाउडर बना के आप पौधों के अंदर डालें और इसके फिर बेनिफिट देखें। दोस्तों आखिर में आप दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि वीडियो को आपने पूरा देखना है और तरीके से देखना है ताकि आपको समझ आए और आप फिर इस तरह से इसको इस्तेमाल कर सके। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।